इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उज्जैन से विख्यात वांटेड विकास दुबे को उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी भूमिका दिखाते हुए विख्यात वांटेड विकास दुबे को उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया। इस खबर की पुष्टि स्वयं मध्य प्रदेश से गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस वालों की हत्या कर फरार हुआ था मोस्ट वांटेड विकास दुबे, जिसके लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों की पुलिस से तलाश कर रही थी कि दिन प्रतिदिन इनाम बढ़ते ही जा रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन आज बड़ी कामयाबी मिली मध्य प्रदेश पुलिस को, जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी भूमिका दिखाते हुए विख्यात वांटेड विकास दुबे को उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया। इस खबर की पुष्टि स्वयं मध्य प्रदेश से गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस वालों की हत्या कर फरार हुआ था मोस्ट वांटेड विकास दुबे, जिसके लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों की पुलिस से तलाश कर रही थी कि दिन प्रतिदिन इनाम बढ़ते ही जा रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन आज बड़ी कामयाबी मिली मध्य प्रदेश पुलिस को, जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज़।